करना ही है और किसी को छोड़ के। अभी हम रुके हैं यहाँ रास्ते में और मौसम चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी कनराज से वापसी का सफ़र शुरू। बिस्मिल्लाह। अल्लाह अकबर। थोड़ा सा टफ रास्ता ये बाहर निकलने का। जज़ाकअल्लाह। हैं? नहीं नहीं आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हैं? आप लोग लेकिन यहाँ पे तो कोई हेल्प हो भी नहीं सकती ना वैसे भी। नहीं नहीं इधर से सीधे आ जाओ। कहाँ से आ रहे हो? ये है ना रास्ता। हाँ ये पत्थर वाली साइड से। यहाँ से भी जाओगे तो आएगी। चलो 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 आराम से आराम से आराम से। चलो भाई हो गया ये मार का सर हो गया। अब आगे चलते हैं आगे के व्यूज़ दिखाते हैं आपको कनराज के। आज चलो 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 अल्लाह बिस्मिल्लाह। कल रात बहुत मज़ा आया यहाँ पे कैंपिंग की हमने। अचानक ही क्लाउड्स आ गए रात को 9:30 बजे के टाइम पे और अभी तक हैं। चलें भाई। एक है वो आगे पानी जा आया था। अच्छा भाई जान अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबानी। अल्लाह खुश रखे आपको। ये आ गया जी मेन रोड। ये थोड़ा सा ही कच्चा है आगे फिर पक्का रास्ता शुरू हो जाएगा। गुड बाय मगर पीर वाटरफॉल्स। अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। दोनों साइड पे पहाड़ हैं और दोनों तरफ बादल नीचे आए हुए हैं पहाड़ों से। कल जब हम आए थे तो पहाड़ों पे इस तरह बादल नीचे नहीं थे। बादल तो क्लाउडी वेदर था लेकिन वो पीछे के एरिया में था। तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर्स आगे जब हम जाएंगे तो उस एरिया में क्लाउड थे। यहाँ पे क्लाउड नहीं थे। शदीद धूप निकली हुई थी कल। धूप अभी भी निकल आई है लेकिन क्लाउड हैं अभी भी मौजूद। और इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। क्लाउड चेक करें सामने बादलों के। पहाड़ों से कितने नीचे आए हैं। बहुत
खूबसूरत एरिया है कनराज का। स्पेशली इस मॉनसून के मौसम में तो इस एरिया की क्या ही बात है, ऐसे ही क्लाउड आ जाते हैं नीचे और ग्रीन हो जाता है पूरा एरिया। अभी जब हम यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपको एक ग्रीनरी नज़र आएगी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें आपने देखा ही होगा कि कितना खूबसूरत हो रहा है कनराज का ये एरिया। कनराज से वापसी के रास्ते में हैं और हमारी एक बाइक का हो गया है प्रॉब्लम, स्टार्ट नहीं हो रही। उन्हें भी दूसरे गियर में डालो। नहीं नहीं, दूसरे में डालो। किक फ्री हो रही है, क्लच देखो ना, क्लच का तो मसला नहीं है, क्लच तो नहीं फंसा हुआ। सही है यार, 70 थोड़ी है क्लच का मसला अपना। यार कोई भरोसा नहीं है ना, दूसरे में डालना है, दूसरे में ही है। चलो आगे देखो, हल्की सी क्लच छोड़ के हो गया भाई, धक्का स्टार्ट हो गया। रसूल बख्श गोड चेक करें पहाड़ों के ऊपर, कैसे खूबसूरत क्लाउड्स हो रहे हैं कनराज में। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हाँ जवान, पिक्चर लेनी है? रोको रोको रोको, भाग कर रहे हो, पिक्चर लेकर जाएंगे, बनने वाली पिक्चर लेनी है यार। थोड़ी ढलान आ गई है, पीछे रुकना था हमें। कह रहा हूँ पीछे रुकना, ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो। क्या व्यू है पीछे तो चेक करो। अबे DSLR निकालता हूँ यार, ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। जब मोबाइल से खींचते हैं, मोबाइल से बनाते हैं, मोबाइल से बनाते, छोड़ो। ओए होए 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 होए, पीछे चलूं? बादल ऐसा लग रहा है बिल्कुल नीचे आए हैं पहाड़ से। ये पूरा चैनल बहुत ही खूबसूरत है पहाड़ों का, और आज तो मौसम बहुत ही औसम हो रहा है। ऐसे ज़बरदस्त क्लाउड हो रहे हैं बिंदर इस कनराज पे इस वक्त, क्या ही बात है। पता नहीं मुझे कैमरे में किस तरह दिख रहा होगा, लेकिन जो मेरी आंखें देख रही हैं वो ध्यान से बाहर है, सुभान अल्लाह। व्यू चेक करें आप यहाँ पे, मज़र भाई की खूबसूरत बाइक, जैकेट, ट्राउजर नहीं नहीं मदर भाई इंजॉय कर रहे हैं आप, बहुत जबरदस्त चल रहा है। GoPro के साथ माइक नहीं लगा हुआ, उस वाले के साथ माइक मैंने अभी और के साथ लगा लिया। क्या माइक? इसको भी बगैर माइक के चला रहा हूँ, इसमें है माइक, अपना भी माइक तो होता है ना, और क्या। कल मैं चेक कर रहा था, इसका अपना माइक भी काफ़ी अच्छा काम करता है। ओ भाई फेरे ले लिया तो चले, चलो चलो चलो। मदर भाई क्या कर रहे हैं आप? मैथन जा पिक्चर लेने के लिए रुके। मदर भाई ने निकाल लिया, गले में डाल लिया। आपको कैसा लगा? बेहतरीन, मजा आया, बहुत आला, गुड। मुनीम भाई मजा आ रहा है? बेहतरीन यार, ये व्यू देखे ना यार, क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है, बहुत शानदार, पूरा पहाड़ क्लाउड से ढका हुआ है, आधा ऊपर वाला हिस्सा पूरा।
अभी रास्ते में रुके हैं, ठीक है, और व्यू ऐसे हैं कि हर दो मिनट बाद हमें रुकना पड़ रहा है। इधर भी यहाँ पे तो क्लाउड्स बिल्कुल ऐसे पहाड़ के नीचे ही चल रहे हैं बिल्कुल, ये देखिए। अगर कुछ दिख रहा हो इसमें आपको, जबरदस्त बेहतरीन क्लाउड हो रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि वापसी में कोई मौका ना छोड़ें, जहाँ हम वीडियो बना सकें वीडियो बनाएं, और जहाँ पिक्चर्स ले सकें। इस रोड के एंड में जो है ना, वहाँ पे फिंगरप्रिंट वाला पहाड़ आएगा, वहाँ पे लाजमी रुकना है। हाँ वो एंड में आता है, फिंगर थंब वाले उल्टे आते आता है बिल्कुल एंड में, ये नहीं मोड़ है ना उसके बिल्कुल सामने। हाँ रुकेंगे वहाँ, रुकेंगे यार, मज़ा आ गया, पैसे वसूल हो गए, मौसम ऐसे बोलते हैं यार, पैसे वसूल हो गए। बूंदाबांदी शुरू हो गई है यहाँ पे, और इस वक्त बाकायदा ठंड लग रही है, इतनी कोल्ड वेट, इतनी ठंडी हवा चल रही है इस वक्त, और यहाँ देखें पूरे बादल ही बादल छाए हुए, काले बादल यानी बारिश वाले, और हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग वेदर है इस वक्त, वाह मज़ा आ गया। रोड इस वक्त ख़तरनाक हुई हुई है क्योंकि गीली हो चुकी है हल्की बारिश से, ब्रेकिंग के दौरान स्किड हो सकता है टायर, तो स्लो ही चलाना पड़ेगा यहाँ पे बाइक को। अल्लाह अकबर, वेदर चेक करें, यहाँ तो लग रहा है अभी बारिश होने वाली है। मैं रेनकोट रख के लेकर आया हूँ, अगर तेज़ बारिश हुई तो रेनकोट पहन लूँगा, अल्लाह खैर करे तेज़ बारिश ना मिले बस। अल्लाह अकबर, लेयर्स में माउंटेन्स हैं और फुल कवर्ड विद क्लाउड्स,
सुभान अल्लाह। इस तरफ बारिश वाले क्लाउड हैं और इस तरफ नॉर्मल है। हाँ भाई रुके, रुके हैं भाई, थोड़ा पिक्चर्स लें, थोड़ा आगे चले। सोच रहा हूँ मैं रेनकोट पहन लूँ, रेन कवर पहन लूँ सोच रहा हूँ। ठंड कैसी हो रही है यार, सर्दी लग रही है। अभी हम रुके हैं यहाँ रास्ते में और मौसम चेक करें, बहुत ही वीआईपी मौसम हो रहा है और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी रास्ते में, लेकिन ये कि यहाँ पे नहीं हो रही, अभी रुकी हुई है। तो हमने कहा क्यों ना पिक्चर्स ली जाए, यहाँ एक पिक्चर स्टॉप लिया हमने और आपको भी दिखा रहे हैं कि ये व्यू कैसा आ रहा है। और बाइक चलाते हुए तो मतलब ठंड लग रही है बकायदा, ऐसा लग रहा है कि मतलब सर्दी का मौसम आ गया और सर्दी में बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। तो ये व्यूज़ हैं यहाँ के, कैमरे में नहीं दिख रहे होंगे इतने अच्छे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त। दोबारा स्टार्ट करते हैं राइड को। एक दो तीन चार पाँच, पाँच दोस्त घर से निकले करने चले शिकार। मोशन तोड़ देते हैं यार ये, बिल्कुल एकदम से बीच में आ गए। खाली स्पीड मेंटेन करके आ रहा था मैं पीछे से। खैर एहतियात ज़रूरी है, जानवरों को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ। अच्छा जी, ये वाटर क्रॉसिंग आ गई है जो कि कनराज के रास्ते में बनी हुई है। अब हम इसको करेंगे क्रॉस। हम होंगे कामयाब हैं, यहाँ से मैं निकल के आया ना। हाँ वो भी सीधा था यार। चलो मुझे लगा ज़्यादा ज़्यादा है, बाइक सीधी आई है, मुझे लगा शायद वहाँ गहरा हो। हाँ ये अच्छा आ गया।